वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मेस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर हाउ लॉन्ग द मॉडल ऑफ शिप। तो यहाँ पे मॉड शिप का जो मॉडल की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर वन में ये बता रहा है, कोई एक जहाज है, पानी वाला जहाज, उसका अगर हमें मॉडल तैयार करना हो, एक छोटे लेवल पे एक मॉडल तैयार करना हो, तब उसकी जो मेस्ट की जो हाइट होगी वो 9 सेंटीमीटर है। तो हम 9 सेंटीमीटर और उसकी जो द मेस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, यदि उसे एक्चुअल में अगर उसको बनाया जाए तब 9 सेंटीमीटर के हिसाब से, एक्चुअल के हिसाब से उसकी जो एक्चुअल शिप की जो मेस्ट होगी वो 12 मीटर हाई हो जाएगी। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अगर उस शिप की जो लेंथ है अगर उसे 28 मीटर रखा जाए, तब हाउ लॉन्ग द मॉडल ऑफ शिप, तब शिप के मॉडल की जो लंबाई या हाइट कितनी होगी उस कंडीशन में। चाहे लेंथ बोलिए या हाइट बोलिए, बातें की है, यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया गया, एक एक्चुअल लेंथ है जो बिल्कुल रियल के हिसाब से है। मॉडल के हिसाब से एक छोटा एक पेपर पे ड्राइंग करके बनाया गया है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल रियल बेस पे उसकी लेंथ निकाली गई है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ द मेस्ट, हाइट ऑफ द मेस्ट, और इधर द लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले ये समझते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे इस तरह समझेंगे, उस मॉडल अगर उस जहाज का मॉडल तैयार करते हैं, तब उसकी हाइट हम लेते हैं 9 सेंटीमीटर हाइट, और अगर रियल में अगर उस जहाज की हाइट लेनी है तो वो 12 मीटर होगी। और दूसरी कंडीशन में अगर जहाज की एक्चुअल लेंथ अगर 28 मीटर हो, तब उस शिप के मॉडल की जो हाइट कितनी रखनी होगी, यानी कि हाइट बोलिए या लेंथ बोलिए कितनी होनी चाहिए, तब उस कंडीशन में हमने इस वाले को एक्स मान लिया। अब आप यहाँ पे दो कंडीशन से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम सेम यूनिट लेते हैं, इसको रेशियो के हिसाब से, इसका रेशियो इसके साथ ले लेते हैं और इसका रेशियो इसके हिसाब से ले लेते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। अगर इसका रेशियो इसके साथ लेते हैं और इसका रेशियो इसके साथ भी लेते हैं, तो दोनों कंडीशन से आप सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल आंसर आपका आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसका इसके साथ ले लेते हैं, इससे क्या होगा, अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी कुछ ना कुछ लेंथ में, पेपर वर्क में जो भी मॉडल तैयार करेंगे उसको हम सेंटीमीटर के फॉर्म में लेंगे। लेकिन जब उसको एक्चुअल अगर हमें बनाना है, तो 9 सेंटीमीटर के हिसाब से एक्चुअल अगर हमें जहाज की लेंथ लेनी होगी तो 12 मीटर लेना होगा। लेकिन अगर जहाज की एक्चुअल लेंथ 28 मीटर रखेंगे, तब पेपर के हिसाब से उस जहाज की लेंथ या हाइट कितनी रखनी होगी, यानी कि जहाज की हाइट या मेस्ट बोल सकते हैं, कितनी रखनी है पेपर के अकॉर्डिंग। ये है पेपर के अकॉर्डिंग मॉडल तैयार हो रहा है, और ये एक्चुअल बेस के अकॉर्डिंग है। तो करना ये है, इसकी लेंथ इसका और इसका रेशियो लेते हैं, तो 9/x करते हैं इज इक्वल टू, और 12 मीटर अपॉन 28 मीटर, तो इससे क्या होगा,
यूनिट यूनिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इनको एक दूसरे के रेस एक दूसरे को बटे के फॉर्म में लेंगे तो इनका यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर पता चलेगा। अगर ये वाला जो मॉडल पेपर के हिसाब से है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालना है तो एक्स की जो वैल्यू का जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, सिंपल करते हैं। 3 3 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। देखिए कभी भी नंबर को इधर से इधर काट सकते हैं, इस वाले को इधर से काट सकते हैं, नीचे से ऊपर वाले काट सकते हैं या ऊपर वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, तो ये चीज़ सिंपल करना आना चाहिए। 4 1 जा 4 4 7 जा 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स आएगा और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 जा 21। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर एक्स 21 सेंटीमीटर रखेंगे तब शिप की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो 28 मीटर होगी। पेपर के अकॉर्डिंग अगर मॉडल जहाज का मॉडल तैयार करते हैं 21 सेंटीमीटर रखेंगे तब लेंथ एक्चुअल में 28 रखनी होगी, जब पेपर का मॉडल में अगर 9 रखते हैं तो एक्चुअल लेंथ 12 मीटर रखनी होगी। यही चीज़ आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के तरीके से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो रेशियो आप चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे आप इधर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा वैसे ही। ये इस तरीके से पहले कॉलम बेस पे बना लेंगे, जो हमें पूछ रहा है उसको हम कंसीडर कर लेंगे और जो चीज़ हमें गिवन होगा उसको बकायदा लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो लेंथ आई ना वो कितनी आई, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 किलो चीनी अगर लेते हैं, 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 × 10^6 क्रिस्टल, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन। 5 kg पे क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी और जब 1.2 kg पे क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे क्या लिखना है, द वेट ऑफ शुगर और यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ क्रिस्टल। ये इस तरह से हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे देखना ये है कि अगर शुगर का वजन है, चीनी अगर हमें ख़रीदना है तो 2 किलो पे क्रिस्टल कितना है, 9 × 10^6 क्रिस्टल दिया है, और जब चीनी का जो वजन अगर 5 kg है तब क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी, तो जो चीज़ निकालना होता है उसको हम x से कंसीडर कर दिया। तो पहले वाले पॉइंट पे हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसका हम रेशियो इसका इसके साथ ले लेते हैं और इसका इसके साथ ले लेते हैं तो भी आंसर आएगा। तो हम ले कर देखते हैं 2/5 इसका रेशियो ले लिया, तो इसका जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर जिसका जिसके साथ ले रहे तो ठीक उसी तरीके से दूसरे स्टेप में उस दूसरे वाले चीज़ का भी रेशियो उसी के हिसाब से होगा, जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होना चाहिए, दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा तब इस कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका रेशियो जितना आएगा इसका रेशियो भी उतना ही होगा, ये हो गया 9 × 10^6 ले 2 kg के हिसाब से, 5 kg के हिसाब से x कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल नहीं होगा तो क्या करेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये x उधर गया 2x और ये हो जाएगा 9 × 5 × 10^6 x यही हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 × 5 = 45 × 10^6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल कर लेते हैं 2 2 = 4
और 2 × 4.25 × 10 इंटू 10 की पावर 6 आया, तो डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। इसका x की जो वैल्यू आई 22.5, हाँ 22.5 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल होंगे। 2 kg के हिसाब से इतने क्रिस्टल होंगे, 5 kg के हिसाब से 22.5 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल होंगे। तो पहले वाले कॉलम में 5 kg के हिसाब से क्रिस्टल की संख्या हमने x कंसीडर किया, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलेगी। तो ये है तरीका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो 2 kg पे इतना है क्रिस्टल, अगर यही चीज 1.2 kg रखें, 1.2 kg पे क्रिस्टल कितना होगा, तब इस कंडीशन में हमने क्रिस्टल की संख्या को y से कंसीडर कर लिया। पहले वाले में x से कंसीडर किया, दूसरे वाले में y से कंसीडर करना होगा। तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बनाने पे जो क्वांटिटी आपने ले ली तो उसी वही रेशियो में दूसरे चीज की भी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितना आपने पहले चीज की क्वांटिटी ली। तो पहले चीज का जो रेशियो होगा दूसरे मटेरियल का भी रेशियो उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे द वेट ऑफ शुगर, शुगर के वजन का रेशियो ये, और नंबर ऑफ क्रिस्टल का जो रेशियो होगा, दोनों का जो रेशियो होगा दोनों का इक्वल आएगा। इक्वल की कंडीशन में वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे वही चीज है, y से हमने कंसीडर किया तो 2/1.2, तो kg कैंसिल हो जाएगा यूनिट के हिसाब से। तो 2 kg के हिसाब से 9 × 10^6, और इसको हम y से कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 × 9 × 10^6/2 y। यहाँ पे क्या करना है, इसको काटेंगे, 2 से काटा तो ये हो गया 0.6, 2 × 6 = 12, तो 2 × 6 = 12 और 9 × 6 = 54, 5.4 × 10^6, तो जब 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 9 × 6 = 54, तो 5.4 × 10^6 होगा। तो y की जो वैल्यू y कितनी आई, y की जो वैल्यू आई 15.4 × 10^6 आया, यही इसका आंसर आएगा क्रिस्टल में। तो 2 kg के हिसाब से इतना हुआ, 1.2 के हिसाब से 5.4 होगा। सवाल बहुत इजी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेस पे क्वेश्चन जो है, रेशियो आपको लेना होता है और एक दूसरे के इक्वल कर देना होता है, और बड़ी आसानी से निकलेगा सवाल। इस बेस पे इसका भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। रश्मि हैज ए रोड मैप, रश्मि जो है स्केल पर, अगर वो पेपर पे जो स्केल बनाएगी, पेपर पे रोड का जो मैप बनाएगी वो सेंटीमीटर के हिसाब से लेगी, लेकिन रियल बेस पे जो रोड होगा वो किलोमीटर के हिसाब से है, किलोमीटर के हिसाब से। तो रश्मि जो है वो जो रोड मैप बना रही है स्केल के हिसाब से 1 cm पे, तो मैपिंग मैप मैप इन सेंटीमीटर में, और एक्चुअल ऑन लैंड, लैंड के हिसाब से अलग होगा। तो देखिए पेपर के हिसाब से जो स्केल होगा वो सेंटीमीटर के हिसाब से है, लेकिन जो रियल बेस पे है, रियल एक्चुअल बेस पे या एक्चुअल बेस पे लैंड का जो एरिया वो किलोमीटर के हिसाब से होगा, सेंटीमीटर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखना, ये 1 cm के हिसाब से दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर। पेपर पे हमने 1 cm शो किया,
लेकिन जब वही पे वही अगर रियल पे अगर रोड जब बनेगी तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 18 किलोमीटर की दूरी हमें बनानी होगी रोड को। सी ड्राइव्स ऑन ए रोड ऑफ ए 72 किलोमीटर, तो किरण रश्मि जो है रोड पे 72 किलोमीटर रोड पे ड्राइव कर लेती है, तो 72 किलोमीटर इधर रखें क्योंकि किलोमीटर का स्केल इधर है। व्हाट वुड बी द हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, तो मैप के अकॉर्डिंग आपको शो करना है कि उसने मैप में कितने सेंटीमीटर की दूरी तय कर ली है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो यहाँ पे है वही जी, बस एक छोटा सा कॉलम आपको अलग से बनाना होगा, जिसमें कॉलम बनाने से क्या होगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर पे जो बन रहा है वो सेंटीमीटर में यूनिट है और जो रियल में बनेगा वो एक अलग होगा। पेपर में अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 18 किलोमीटर शो कर रहा है और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 72 किलोमीटर है। अब इसको रेशियो में ले लेते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 18/72, 18/72 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18x इज इक्वल टू 72, 72/18। अब 18 2 जा होता है 36, 36 के हिसाब से 18 जो है 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 18 4 जा होता है 72, तो x की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। तो इसकी इसका जो आंसर आया 4 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 18 किलोमीटर है और 4 सेंटीमीटर के हिसाब से 72 किलोमीटर रियल में, वो 72 किलोमीटर के हिसाब से पेपर पे वो 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी और 18 किलोमीटर के हिसाब से वो 1 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है। यही इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट में क्या होता है एक का असर होगा तो दूसरे पे, अगर एक संख्या बढ़ रही तो दूसरे की संख्या घटेगी, ये चीज होता है इनडायरेक्ट में। तो ये चीज आपको समझना है, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो आपको रेशियो वाला, रेशियो के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, रेशियो के अकॉर्डिंग सवाल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।